हेलो विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे धोरण 5 ની हिंदी पाठ्यपुस्तक खोलवानुं छे, बराबर। तो बधा विद्यार्थी हिंदी पाठ्यपुस्तक खोलशे 5મા ધોરણનું, बराबर। हवे आपणे हिंदी पाठ्यपुस्तकमां मैं तमने गया वीडियामां निबंध एक लखावेलो हतो। निबंधनुं नाम हतुं चिड़ियाघर की शेर, बराबर। त्यार पछी मैं तमने कीधेलुं हतुं के आवता विडियो में आपणे मेरा प्रिय प्राणी विषे 5 वाक्य लखावीश, बराबर। तो हवे बधा विद्यार्थी मित्रों ध्यानथी सांभळशे, मेरा प्रिय प्राणी विषय पर 5 वाक्य लिखे, बराबर। अने मेरा प्रिय प्राणी आ विषय कदाच तमने पूछाय प्रश्न, तो आ रीते तमे लखी शको। तो बधा विद्यार्थी मित्रों हवे ध्यानथी जोशे, जुओ हवे मेरा प्रिय प्राणी। मेरा प्रिय प्राणी हाथी है, यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे विशाल जानवरों में से एक है। पछी पेरेग्राफ आवशे, इसकी एक सूंड होती है, उसे स्तंभ की तरह बड़े पैर दो कान, छोटी छोटी आंखें, एक छोटी पूंछ और 2 लंबे दांत होते हैं। पछी पेरेग्राफ आवशे, हाथी जंगलों में पत्तियां और घास खाता है, वह बुद्धिमान पशु है, इसे प्राणी संग्रहालय और सर्कल में से देखा जा सकता है। हवे तमने आमां एवुं कहे छे के हाथी ने प्राणी संग्रहालय में अने सर्कस में जोवा मळे छे, बराबर। विद्यार्थी मित्रों हवे आ प्रश्न जवाब छे ई तमारे तमारी हिंदी नोटबुक में सारा अक्षरे लखवानुं छे, बराबर। त्यार पछी आपणे 6ઠો પાઠ પહોંચ્યા હતા। હવે 6ઠા પાઠનું નામ શું આપેલું છે? તો કે હસીકા પિટારા, બરાબર। તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રો 6ઠો પાઠ ખોલશે, જે પેજ નંબર 35 ઉપર આપેલું છે, બરાબર। તો બધા હિન્દી પાઠ્યપુસ્તકમાં 6ઠો પાઠ ખોલશે, પેજ નંબર 35 ઉપર આપેલું છે, જેનું નામ છે હસીકા પિટારા, બરાબર। હવે પેલા આપણે આ પાઠના શબ્દાર્થ અને સમજૂતી બંને જોશું। જુઓ, પેલા શબ્દાર્થ આપેલા છે, શબ્દાર્થ છે હસી એટલે કે મજાક, પછી આપેલું છે પિટારા એટલે પાત્ર, પછી આપેલું છે ચુટકુલા એટલે વિનોદપૂર્વ વાત, પછી આપેલું છે બેવકૂફ એટલે મૂર્ખ, પછી આપેલું છે હટા એટલે કે ઉઠા કર, બરાબર। હવે આપણે પાઠની સમજૂતી જોશું। હવે પાઠની સમજૂતીમાં છે, જીવન મેં પ્રત્યેક વ્યક્તિ કો હાસ્ય કો બહુત હી મહત્વ હે, એટલે તમને એવું કહેવા માંગે છે કે બધા વ્યક્તિના જીવનમાં હસવું એ ખૂબ જ મહત્વનું છે। હાસ્ય પ્રત્યેક વ્યક્તિ કા જીવન મેં દુઃખ કો ભુલા કર નયા જીવન જીને કા ઉમંગ ભર દેતા હે। તમને પાઠમાં એવું કહેવા માંગે છે કે હાસ્યને લીધે બધા વ્યક્તિનું જે દુઃખ હોય એ ભૂલીને એના જીવનમાં નવું જીવન જીવવાનું ઉમંગ જગાવે છે। હસને સે વ્યક્તિ કા જીવન કા સ્વાસ્થ્ય અચ્છા રહેતા હે, હસવાથી વ્યક્તિનું સ્વાસ્થ્ય છે તે સારું રહે છે। જીવન મેં મજાક કરને સે હાસ્ય બનતા હે, જીવનમાં મજાક કરવામાંથી હાસ્ય એટલે કે હસવાનું બને છે। ઇસ પાઠ મે માં ઓર બેટે કા હાસ્ય હે, આ પાઠમાં માં અને એના છોકરા વચ્ચે બંને વચ્ચે હાસ્ય થાય છે। ઓર માલિક નોકર કે બીચ હાસ્ય હોતા હે, બીજું હાસ્ય છે માલિક અને નોકરની વચ્ચે। તીસરા હાસ્ય હે દોસ્ત બીચ હાસ્ય હોતા હે, હવે એમ કે છે કે ત્રીજું હાસ્ય છે તે બંને દોસ્ત વચ્ચે હે। પછી ચોથા હાસ્ય દુકાનદાર ઓર ગ્રાહક કે બીચ હોતા હે, ચોથું હાસ્ય છે તે દુકાનદાર એટલે કે દુકાન અને ગ્રાહક છે એ બંનેની વચ્ચે છે। રામુ ઓર શ્યામુ કે બીચ મે હાસ્ય હોતા હે, પાંચમું હાસ્ય છે તે રામુ અને શ્યામુની વચ્ચે છે, બરાબર। જુઓ હવે પાઠ જોશું। પાઠનું નામ આપેલું છે હસીકા
पिटारा बराबर। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है, मैं तमने पाठनी समझूती में समझाव्यु। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जुओ हवे पेलू हास्य छे माँ अने बेटा वच्चे। बेटा देखना गेहूं सुख रहा है, गेहूं अटले घऊं। हवे माँ छे एना छोकरा ने कहे छे के बेटा जरा ध्यान राखजे, मैं अहीं घऊं सुकवा छे। कहीं गाय न खा जाए, माँ एम कहे छे के तू ध्यान राखजे, गाय आवीने खाई न जाए। पछी माँ छे ई पाछी आवे छे एटले कहे छे अरे अरे गधा गेहूं खा रहा हे। हवे एनी माँ छे एना छोकरा ने कहे छे के अरे अरे गधेड़ू छे ई घऊं खाई रह्यू छे, और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। हवे एना छोकरा ने कहे छे के तू एने हटा एटले के एने भगाड़ी नथी सकतो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। हवे छोकरो छे एना माने के छे के तमे तो गाय ने हटावानु कीधुं तुं, आ तो गधेड़ो छे। जुओ विद्यार्थी मित्रो बहनों ने हास्य। हवे बीजुं हास्य जुओ। हवे बीजुं हास्य छे दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। हवे बन्ने मित्रों छे ई हिंदी व्याकरण नी तैयारी करी रह्या छे। पहला दोस्त एटले के पेलो दोस्त बोले छे दीपक मिठाई नहीं खाता। हवे पेलो दोस्त बोले छे कि दीपक तू मिठाई नथी खातो, इसमें दीपक क्या है, हवे आमा दीपक शू छे। दूसरा दोस्त एटले के बीजो दोस्त बोले छे मूर्ख, एटले बीजो दोस्त कहे छे आमा दीपक शू छे, एटले कहे छे मूर्ख। पछी त्रीजो हास्य छे मालिक नौकर से। हवे मालिक छे एना नौकर ने कहे छे तू कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। हवे मालिक छे एना नौकर ने कहे छे कि तू कोई पण काम कर तो पहला मने पूछीने कर। नौकर कहे छे थोड़ी देर बाद, एटले नौकर छे ई थोड़ा समय पछी। मालिक एटले एना मालिक ने कहे छे रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं। हवे मालिक ने कहे छे नौकर के रसोड़ामां छे बिलाड़ी दूध पी रही छे, शू एने भगाड़ू। हवे त्रीजो हास्य चौथो हास्य आवे छे एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला। एक आदमी छे ई दुकानदार एटले के दुकानना मालिक छे एनी पासे जईने बोले छे जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा, एटले एम कहे छे कि कूतरा माटे बिस्किट मळशे। दुकानदार बोला एटले के दुकानना मालिक बोले छे यही खाओगे या घर ले जाओगे। जो ग्राहक ने कहे छे कि तू अहीं ज खाई लेस के तारा घरे लई जाईस। पछी पांचमो हास्य आवे छे रामू श्यामू को देख कर। रामू छे ई श्यामू ने जोईने कहे छे क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है। हवे श्यामू ने कहे छे के गधेड़ा ने लईने क्या जाय छे। श्यामू बोले छे मूर्ख हो क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। हवे श्यामू कहे छे रामू ने कि तू मूर्ख छो, आ गधेड़ू नहीं शू छे, तो के कूतरा छे। रामू कहे छे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। रामू श्यामू ने कहे छे कि हूँ कूतरा ने ज पूछी रह्यो छू। बोलो बहनों ने हास्य। हवे तमारे आ पाठ छे ई तमारे एक वार वाँची लेवानो छे। जे रीते हूँ गुजराती हिंदी बन्ने बोलती गई एम तमारे गुजराती अने हिंदी बन्ने बोलवानुं छे बराबर। हवे आवता वीडियो में आपणे एनुं अभ्यास जोशुं जे पेज नंबर 36 उपर आपेलुं छे बराबर। त्यां सुधीमां तमे पाठ छे एकवार वाँची लेजो। थैंक यू।